नमस्कार दोस्तों, जब भी आप कोई स्मार्टफोन लेते हैं या बेचते हैं तो आप उसको क्लीन कर देते हैं, यानी कि उसका सारा फोटो वीडियोस वगैरह डाटा वगैरह डिलीट करने के लिए आप उसको हार्ड रिसेट मार देते हैं। लेकिन दोस्तों वह आगे नहीं बढ़ता, आपसे पुराना वाला ईमेल अकाउंट या आपसे जो पासवर्ड वो मांगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, जब भी आप कोई फ़ोन को हार्ड रिसेट मारें उससे पहले आप ये काम कर लीजिए, आपका फ़ोन हमेशा कभी भी आपसे जो पुराना वाला जीमेल अकाउंट है या कोई भी पासवर्ड या अन्य कोई भी चीज़ नहीं मांगेगा। इस वीडियो में मैं आपको यह तरीका बताने वाला हूँ, आप कोई भी फ़ोन हार्ड रिसेट माने तो इस तरीके को ज़रूर आजमाएं ताकि आप प्रॉब्लम में ना फंसें। और दोस्तों जब आपका अकाउंट आपका फ़ोन हार्ड रिसेट लगने के बाद आपसे पुराने जीमेल अकाउंट मांगता है, आप उसे किसी दुकान पर ले आते हैं, आपसे 200-300 रुपये की फ़ीस आराम से ले लेता है वो दुकानदार। तो ऐसे में आप इस बात का ख्याल रखिए जो हम आपको बताने वाले, ये तरीका आप किसी फ़ोन में आजमा सकते हैं। आपसे कभी भी वह ईमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट या कोई भी अकाउंट नहीं मांग देगा। आप उसको जब भी क्लीन करेंगे, हार्ड रिसेट मारेंगे, उसके बाद वह ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, मेरा नाम है परवेज आलम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटरनेट। में से ज़्यादातर लोग मोबाइल को ऑफ करने के बाद, पावर ऑफ करने के बाद मोबाइल को और उसको रिसेट कर देते हैं, ये वॉल्यूम अप बटन दबाकर और पावर बटन दबाकर। तो ऐसे में जब आप उसको हार्ड रिसेट करते हैं तो आपको जो ईमेल आईडी है पुरानी वाली वो है मांगता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी फ़ोन का लॉक याद है तो आप उसको ऐसे हार्ड रिसेट ना करें एकदम, नहीं तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। सबसे पहले आप उसका लॉक खोल लें, जैसे मैं यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर हार्ड रिसेट तभी मारते हैं लोग जब फ़ोन को बेचते हैं या किसी से ख़रीदते हैं। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से इसको हार्ड रिसेट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलती आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको जीमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है। ज़्यादातर फ़ोन तभी जीमेल आईडी पासवर्ड मांगते हैं जब उनको इस तरह से हार्ड रिसेट मारा जाता है एकदम। तो ये तरीका मैं बता देता हूँ किसी फ़ोन को हार्ड रिसेट करने का। सबसे पहले आप जाएंगे मोबाइल के साइनिंग ऑप्शन में, जैसे मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, साइनिंग एंड अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर जितने भी जीमेल अकाउंट और एमआई अकाउंट या सैमसंग अकाउंट लॉगिन होंगे वो यहाँ पर दिखा देगा। अब आपको करना क्या, उन सारे अकाउंटों को हटा देना है। जैसे ये जीमेल अकाउंट है, अगर मैं इसको हार्ड रिसेट मार देता तो इसी जीमेल अकाउंट को यह मांगता ऑन होने के लिए और इसी का पासवर्ड मांगता। तो यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। तो देख सकते हैं ये इस तरह से ओके पर क्लिक कर देना है और आपका जो आपका फ़ोन का पासवर्ड है वो डाल देना है। अब ये अकाउंट यहाँ पर हट चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके बाद ऑटो साइनिंग ऑप्शन को बंद करेंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये अकाउंट से क्लियर हो गया, यानी कि इसमें कोई भी अकाउंट नहीं लगा हुआ। अब इसको आप चाहें तो बटनों से हार्ड रिसेट कर सकते हैं और चाहें तो मोबाइल की सेटिंग में हार्ड रिसेट कर। बस यही गलती कर देते हैं आप, इन जीमेल अकाउंट सैमसंग अकाउंट को नहीं हटाते, इसलिए आप परेशानी में पड़ जाते हैं। दोस्तों अगर आप किसी फ़ोन का लॉक तोड़ रहे हैं तो ठीक है, आप बटन से मार सकते हैं, क्योंकि आपको उसका जो स्क्रीन लॉक है वह नहीं पता तो आप जीमेल अकाउंट नहीं हटा सकते। लेकिन अगर आपका खुद का फ़ोन है या आप ले रहे हैं उसको या बेच रहे हैं किसी को, तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा और आप इससे आपकी जीमेल आईडी दूसरे तक नहीं जाएगी। इसके बाद आप इसको हार्ड रिसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रिसेट पर जाकर, क्लियर ऑल डाटा पर जाकर आपका जो पासवर्ड वो डाल सकते हैं और चाहें तो आप बटनों से भी मार देते हैं। तो आइए मैं आपको बटनों से बता देता हूँ किस तरह आपको हार्ड रिसेट कर देना है। सबसे पहले फ़ोन को ऑफ़ कर लेना है, मैं इसको जीमेल आईडी हटाकर इसको हार्ड रिसेट मार देते हैं। इस तरह से ओपन होता है, कोई सा भी फ़ोन आप ले लीजिए। उसके बाद ये आपसे कुछ भी नहीं मांगता, आगे बढ़ता रहता है। बस इसको नेट की कनेक्टिविटी मिलती रहनी चाहिए। यहाँ को मैं स्किप कर देता हूँ, आपको स्किप करते रहना है। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपसे कोई भी समस्या नहीं मांगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से किसी फ़ोन को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर स्किप कर देना है, स्क्रीन लॉक को भी यहाँ पर भी स्किप कर देना है। इस तरह से आप स्किप करते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं मांगने का। अगर दोस्तों आप ऐसे ही मार देते जीमेल अकाउंट के साथ तो ये आपको परेशान कर देता और आपसे जीमेल अकाउंट यहाँ पर मांगता और इसका पासवर्ड भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टेप को फॉलो कीजिए।